यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह जानता है तो वह उसके दिमाग पर असर करती है उसके मस्तिष्क को प्रभावित करती है लेकिन यदि हम उस व्यक्ति से उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वह सीधा उसके दिल पर असर करती है उसके हृदय को प्रभावित करती है हेलो एंड वेलकम टू ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th class English book Flamingo and the chapter is The Last Lesson which is written by Alfonso Daudet. Alfonso Daudet was a very famous short story writer of France. This chapter tells us about the importance of mother tongue. So let's learn more about it and try to understand through the question and answers. And the first question is, वट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे उस दिन फ्रांस को क्या याद करके स्कूल जाना था फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे उस दिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करके जाना था पार्टिसिपल जो कि ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वट डू यू थिंक द थीम ऑफ द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन लास्ट लेसन की विषय वस्तु के बारे में आप क्या सोचते हैं लास्ट लेसन सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रेशियन वॉर एटीन सेवेंटी एटीन सेवेंटी वन इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लास्ट लेसन एटीन सेवनटी और एटीन सेवनटी वन के बीच लड़े गए फ्रेंको प्रशियन वॉर पर आधारित है जिसमें जर्मनी फ्रांस को हरा देता है और उसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्सास एंड लोरेन पर कब्जा कर लेता है जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लोरेन और उसके बाद बर्लिन से एक आदेश आता है जिसके अनुसार फ्रांस के एल्सास एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में फ्रेंसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड नेटिव लैंग्वेज प्रोक्रेस्टिनेशन लिंग्विस्टिक शोविनिज्म स्टूडेंट एंड टीचर एटीट्यूड टूअर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग आर द मेन पॉइंट्स इस पार्ट की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में हम देखते हैं बहुत सारे मेन पॉइंट्स को बहुत सारे मुद्दों को इसमें उठाया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड नेटिव लैंग्वेज स्थानीय भाषा और मातृभाषा का महत्व प्रोक्रेस्टिनेशन कार्य को टालने की प्रवृत्ति लिंग्विस्टिक शोविनिज्म भाषाई सर्वोच्चतावाद स्टूडेंट एंड टीचर एटीट्यूड टूअर्स लर्निंग सीखने और सिखाने के प्रति छात्र और अध्यापक का दृष्टिकोण ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इस पाठ की विषय वस्तु को निर्धारित करते हैं

कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या उनका इस बारे में सोचना होता है इसी सब के बारे में इस पार्ट में वर्णन किया गया है नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वॉट डिड फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजअल अबाउट द स्कूल दैट डे दैट डे माने उस दिन मीन्स द लास्ट डे उस दिन फ्रांस ने स्कूल में ऐसी क्या बात देखी जो अनयूजअल थी जो कि असामान्य थी जो पहले कभी नहीं हुई थी एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फ्रेंड्स नोटिस्ड दैट देयर वॉज अनयूजअल क्वाइटनेस एट अ स्कूल लाइक अ संडे मॉर्निंग ऑन दैट डे उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह एक असामान्य सी शांति थी जैसे रोज स्कूल में शोरगुल रहता है और रविवार को स्कूल बंद होता है तो रविवार को स्कूल में बहुत शांति रहती है वैसी ही शांति उस दिन स्कूल के खुलने पर भी थी देर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क डेस्क को खोलने और बंद करने की कोई आवाज़ नहीं थी रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर एंड रेपिटिशन ऑफ लेसन टीचर के रूलर की पिटने की आवाज़ रेपिटिशन ऑफ लेसन पाठों को बार बार रिपीट करने की जो आवाज़ें थी वो उस दिन नहीं थी टीचर डि नॉट स्कोल्ड हिम और शो एनी बिटर रिएक्शंस टीचर ने उसको उस दिन डांटा भी नहीं और नहीं उसके प्रति कोई बुरा व्यवहार किया लादर इ स्पोक वेरी काइंडली विद हिम एंड आज हिम टू कम इन साइड एंड सिट एट हिस बेंच बल्कि टीचर ने फ्रांस से बहुत प्यार से बात करी और उसको क्लास में अंदर आने के लिए कहा और अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा टीचर वो स्पेशल सेरेमोनियल ड्रेस विलेज एल्डर्स फॉर सिटिंग एट द बैक बेंचेस और उस दिन टीचर ने एक विशेष प्रकार का अपना सेरेमोनियल ड्रेस पहना था मीन्स वो ड्रेस विच ए यूज टू वेयर ऑन द अकेजन्स ऑफ सेरेमनी और एनी अवार्ड फंक्शन जो कि वो कभी स्कूल के किसी फंक्शन में या किसी फेस्टिवल में पहना करते थे वो वाली ड्रेस उन्होंने उस दिन पहनी थी उन्होंने झालरदार शर्ट पहनी थी ब्लैक कलर का रेशम का उन्होंने कैप लगाया था और ग्रीन कलर का उन्होंने कोट उस दिन पहना था विलेज एल्डर्स वॉर सिटिंग एट द बैक बेंचेस और एक और असामान्य बात क्या थी कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो स्कूल आए थे और कक्षा में पीछे की बेंचेस में बैठे हुए थे तो ये सारी चीज़ें उस दिन फ्रांस ने स्कूल में देखी जो उसके लिए असामान्य थी यानी स्कूल बहुत शांत था कोई शोरगुल नहीं था टीचर ने उससे बहुत अच्छे से बात करी और उन्होंने अपनी एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनी थी और गांव के बजर बड़े बुजुर्ग जो थे वो स्कूल में आकर के पीछे की बेंचेस में बैठे हुए थे वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन फ्रांस थिंक्स विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मस एवन द पिजन्स वट फ्रांस सोचता है कि क्या वो पिजन्स को यानी कबूतरों को भी जर्मन में गाना गवाएंगे क्या उनसे भी जर्मनी भाषा बुलवाएंगे वट कुड दिस मीन इसका क्या मतलब हो सकता है एंड द आंसर इज इट मीन्स दैट जर्मन्स कुड एनस्व द फ्रेंच बट दे कांट टेक अवे देयर लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज जब क्लास में बैठे हुए फ्रेंच कबूतरों को देखता है क्लास की छत पर बैठे हुए तो सहजा उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या कबूतर भी जर्मन भाषा बोलेंगे क्या जर्मन लोग जो हैं कबूतरों से भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे <coughs> यानी ऐसा संभव नहीं है और इसका मतलब यह है कि जर्मन्स जो हैं वो फ्रेंच लोगों को गुलाम बना सकते हैं बट दे कान टेक अवे देयर लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज वो उन्हें गुलाम बना सकते हैं अपनी भाषा उन पर थोप सकते हैं लेकिन अपनी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति उनके दिल में जो प्यार है जो सम्मान है उसको वो उनसे नहीं छीन सकते दे कांट टेक अवे देयर लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज वी कैन कंट्रोल एनी वन फिजिकली बट वी कॉन्ट कंट्रोल माइंड एंड हार्ट ऑफ एनी वन यानी हम किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग और उसके दिल को उसके हृदय को हम कंट्रोल नहीं कर सकते मदर टंग कर्म्स टू अ पर्सन नेचुरली इन विच यू कम्युनिकेट एंड फील प्राउड ऑफ इट मातृभाषा जो होती है वो किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से आती है जिसमें वो वार्तालाप करता है और उसके प्रति वो गर्व महसूस करता है एंड इट इज़ इन देयर ब्लड और वो उसके खून में होती है एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव और जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उसको खत्म नहीं किया जा सकता द ऑर्डर अराउज पैट्रेटिक फीलिंग्स अमंग दैम जैसे ही ये ऑर्डर वहाँ पर आता है तो इस आदेश के कारण वहाँ के लोगों में अपने देश के प्रति पैट्रेटिजम यानी की भावना पैदा हो जाती है अपने देश के प्रति वो और अधिक प्रेम और अधिक सम्मान महसूस करते हैं नाउ द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ देयर लैंग्वेज वॉज टू दैम वट शोज यू दिस वाई डज दिस हैपन इस कहानी में जो लोग हैं अचानक से ये महसूस करते हैं या उन्होंने अचानक से महसूस किया कि उनकी जो लैंग्वेज है उनकी जो भाषा है यानी फ्रांसिसी भाषा जो है वो उनके लिए कितनी प्रेशर्स है प्रेशर्स दिस इससे आपको क्या प्रदर्शित होता है क्या समझ में आता है हैपन ऐसा क्यों होता है आंसर हम देखते हैं इसका दिस शोज दैट पीपल ऑफ अलसांस एंड लोरेन डिड नॉट लर्न देयर ओन लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच इससे यह प्रदर्शित होता है कि फ्रांस के लोग जो थे यानी अलसांस एंड लॉरेन के जो लोग थे उन्होंने अपनी भाषा यानी कि फ्रेंच भाषा को नहीं सीखा एवरी डे दे पुट ऑफ देयर लर्निंग टिल द नेक्स्ट डे बाय सेइंग दैट दे हैड प्लानी ऑफ टाइम हर दिन वो फ्रांसीसी भाषा सीखने के अपने कार्य को अगले दिन के लिए टालते जाते थे वो ये कहते थे कि दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम उनके पास बहुत ज़्यादा समय है प्लेंटी माने इनफ दे हैव सफिशिएंट टाइम अभी हमारे पास बहुत टाइम है कल सीख लेंगे कल सीख लेंगे इस तरह से वो अपने सीखने की प्रवृत्ति को अगले दिन के लिए टालते थे और एट टाइम्स वैन द डे कम और जब दिन आया तो वो उनके पास टाइम ही नहीं था अपनी भाषा को सीखने का हैविंग डिफीटेड एंड फोर्स टू लर्न जर्मन दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज और जब जर्मनी के लोगों ने उनको हरा दिया और अपनी भाषा यानी जर्मन भाषा सीखने के लिए फोर्स कर दिया विवश कर दिया देन दे रियलाइज तब उनको महसूस हुआ कि हमारी लैंग्वेज की क्या महत्व है या मातृभाषा का महत्व क्या होता है द विलेजर्स एंड द स्टूडेंट्स केम ऑन द लास्ट डे विद अ कीन डिज़ायर टू लर्न द लास्ट लेसन ऑफ देयर लैंग्वेज एज इट इज लाइक अ की टू प्रिजन वैन पीपल आर एंड सेव एंड द विलेजर्स एंड द स्टूडेंट्स केम ऑन द लास्ट डे और अंतिम दिन जो है ग्रामवासी और जो छात्र होते हैं अंतिम दिन की क्लास में आते हैं क्यों आते हैं टू लर्न दे हैड द कीन डिज़ायर टू लर्न उनके दिल में अपनी भाषा सीखने की तीव्र इच्छा होती है सीखना चाहते हैं जैसे कि क्योंकि जो हमारी मातृभाषा होती है इट इज़ लाइक अ की टू प्रिजन वो हमारे प्रिजन की हमारे जेल की चाबी की तरह होती है यानी वो हमारी आज़ादी की कुंजी होती है किन की आज़ादी कुंजी होती है वैन पीपल आर एनस्लेव जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है तो एक मातृभाषा है जिसे बोल कर के वो आज़ाद हो सकते हैं और जो उनको आज़ाद करा सकती है दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग वैन वी कीप ऑन स्पीकिंग विद ईच अदर इन आवर ओन लैंग्वेज नो बडी कैन एनस्लेव अस जब हम अपनी मातृभाषा एक दूसरे से बोलते रहेंगे तो हमें कोई भी गुलाम नहीं बना सकता एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार क्या अपनी भाषा पर अत्यधिक गर्व करना संभव है डू यू नो वॉट लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मीन्स क्या तुम जानते हो कि लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या होता है और इसका आंसर है नो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज टू फार अपनी भाषा पर अत्यधिक गर्व करना संभव नहीं है उसकी भी एक सीमा है उसकी भी एक हद है स्पेशली एट द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन विशेष रूप से इस वैश्वीकरण के समय में इट इज़ गुड इफ़ वी फील प्राउड ऑफ अवर ओन लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशंस यदि हम अपनी भाषा अपनी संस्कृति और अपने ट्रेडिशंस रीति रिवाज यानी परंपराओं पर गर्व करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है इट इज़ गुड बट वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ लेकिन हमें दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए जर्मन्स हैड इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन फ्रेंच पीपल बट फ्रेंच पीपल वर इन लव विद देयर लैंग्वेज इसका इस बात को हम इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जर्मन्स ने क्या किया उन्होंने अपनी भाषा को फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पर इम्पोज कर दिया उनको थोप दिया ज़बरदस्ती वो उनसे अपनी भाषा बुलवाना चाहते थे पढ़ाना चाहते थे लेकिन फ्रेंच पीपल वर इन लव विद दियर लैंग्वेज लेकिन जो फ्रांसीसी लोगों का अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति प्रेम था वो उसको कम नहीं कर सकते थे ज़बरदस्ती उसको हटा नहीं सकते थे उनके प्रेम को उनसे दूर नहीं कर सकते थे क्यों बिकॉज इम्पोजिशन ओनली रें वंस लव फॉर हिज ओन लैंग्वेज क्योंकि जो इम्पोजिशन होता है जो आरोपण होता है जो थोपना होता है वो क्या करता है किसी व्यक्ति की अपनी भाषा के प्रति उसका जो प्रेम होता है उसको रेनफोर्स कर देता है उसको स्ट्रेंथन करता है उसको और मजबूत बना देता है यानी जबरदस्ती हम किसी भी व्यक्ति से अपनी भाषा नहीं बुलवा सकते और उसकी भाषा के प्रति उसके प्रेम को कम हम नहीं कर सकते तो ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी भाषा पर अत्यधिक गर्व करना संभव नहीं है अब इसका सेकंड पार्ट है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या होता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब है लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज भाषा से संबंधित शॉविनिज्म का मतलब होता है सर्वोच्चतावाद वार टू फील सुपीरियर जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठतर समझते हैं उसको बोलते हैं शॉबिनिज्म अपनी जाति अपना देश अपनी नस्ल को हम दूसरी जाति नस्ल देश से श्रेष्ठ बनाते हैं उसे बोलते हैं शॉविनिज्म और लिंग्विस्टिक शॉवनिज्म माने भाषाई सर्वोच्चतावाद इसका मतलब होता है कि अग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ दैट योर लैंग्वेज इज बेटर देन अदर लैंग्वेजेज ये एक प्रकार का अतार्किक एक आक्रामक विश्वास होता है आक्रामक मतलब तुम्हें हमारी भाषा सीखनी है हमारी ही भाषा श्रेष्ठ है इट मीन्स अग्रेसिवनेस एंड अनरीजनेबल माने कोई तर्क ही नहीं अभी क्यों आपको हमको आपकी भाषा सीखनी है क्या कारण है कि हमको अपनी भाषा सीखनी चाहिए तो ये कोई रीजनेबल तार्किक तर्क नहीं होता है तो ये वाला विश्वास यानी अतार्किक और आक्रामक विश्वास की हमारी भाषा दूसरे की भाषा से श्रेष्ठतर है उसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक शॉमिनिज्म जहां हम अपनी भाषा का सम्मान तो करते हैं लेकिन दूसरे की भाषा का को डिसरिगार्ड करते हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं उसको इंफीरियर समझते हैं अपने से सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग